ये कहानी एक चाइनीज़ मूवी की कहानी है जिसमें टाइटेनोबोआ सांप को दिखाया गया है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा सांप हुआ करता था, जिसके आगे एनाकोंडा जैसे सांप कुछ भी नहीं है। तो फिर ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं। हे गाइस, यू आर वेलकम। तो कहानी की शुरुआत में हमें एक घने जंगल को दिखाया जाता है और इसी के साथ जंगल में कुछ चाइनीज़ पुलिस वालों को भी दिखाया जाता है जो कि भाग रहे हैं। और तभी सभी पुलिस वाले रुक जाते हैं। उसके बाद उनमें से दो पुलिस वाले झाड़ियों की तरफ जाते हैं और थोड़ी देर बाद झाड़ियों के बीच से होते हुए एक पुलिस वाला बचाओ बचाओ कहकर बाहर की तरफ आता है, क्योंकि उसके पीछे काफ़ी बड़ा सांप होता है जो कि उसे निगल जाता है। और यह सब नज़ारा देख वहाँ पर खड़े बाकी पुलिस वाले बुरी तरह से डर जाते हैं, जिसके बाद वो बड़ा सांप उन लोगों की तरफ देखता है। उसके बाद हमें मिस्टर लिन को दिखाया जाता है जो कि एक टीचर है, और वह बच्चों को सांप के बारे में बताता है और कहता है टाइटेनोबोआ सांप अब तक का सबसे बड़ा सांप है, लेकिन इस सांप का अब अस्तित्व नहीं है। और बच्चों को एक किताब दिखाता है और कहता है इसे मैंने लिखा है, जिसमें टाइटेनोबोआ सांप के बारे में पूरी जानकारी है, अगर कोई इस किताब को लेना चाहता है तो वो मुझसे ले सकता है। उसके बाद मिस्टर लिन एक सांप और एक चूहे को अपने हाथ में लेता है और कहता है देखो ये एक फूड चेन है। और यह सब देख बच्चे रोने लगते हैं, जिसके बाद मिस्टर लिन को स्कूल से निकाल दिया जाता है। उसके बाद मिस्टर लिन अपने घर पर आता है जहाँ पर हमें मिस्टर लिन की लड़की को दिखाया जाता है जो कि बीमार होती है। उसके बाद मिस्टर लिन अपनी लड़की से बातें कर रहा होता है और तभी दरवाजे पर दो आदमी आते हैं, जिनसे मिस्टर लिन पूछता है आप लोग कौन हैं। तब उनमें से एक आदमी बताता है ये वोंग होंग ग्रुप के सीईओ हैं मिस्टर क्यू टैंग। यह सुन मिस्टर लिन उन लोगों से कहता है तो आपको मुझसे क्या चाहिए। उसके बाद क्यू टैंग बताता है मैंने एक आइलैंड की खोज की है जहाँ पर एक लाल रंग का फूल हो सकता है जिससे हम कैंसर जैसी बीमारी को ठीक कर सकते हैं, और इस फूल को जंगल से लाने में हमें तुम्हारी मदद चाहिए। यह सुन मिस्टर लिन अपनी लड़की के बारे में सोचता है। तब मिस्टर क्यूटेंग का सेक्रेटरी मिस्टर लिन से कहता है मिस्टर क्यूटेंग ने पहले ही तुम्हारी लड़की के लिए बेस्ट हॉस्पिटल अरेंज कर दिया है। उसके बाद मिस्टर क्यूटेंग मिस्टर लिन से कहता है अब से तुम हमारे साथ चलोगे। और उसके बाद हमें एक बोट को दिखाया जाता है जो कि नदी में घने जंगलों के बीच से होते हुए जा रही है, और इस बोट में हम मिस्टर लिन को देखते हैं। और थोड़ी देर बाद हमें मिस्टर क्यूटेंग के सेक्रेटरी को दिखाया जाता है जो मिस्टर लिन को सिक्योरिटी के टीम लीडर से मिलाता है। और जब वे लोग दूसरी तरफ जा रहे होते हैं तभी मिस्टर लिन को किसी के दर्द से कराहने की आवाज़ सुनाई देती है, और तब सेक्रेटरी मिस्टर लिन को बताता है मिस्टर क्यूटेंग को कैंसर है जिसका इलाज चल रहा है। उसके बाद हमें डॉक्टर लेन राव को दिखाया जाता है, और थोड़ी देर बाद हमें एक और क्रू मेम्बर सी के को दिखाया जाता है जिससे मिस्टर लिन हाथ मिलाता है। उसके बाद मिस्टर लिन डॉक्टर लेन राव के पास जाता है और उससे बातें करने लगता है। और थोड़ी देर बाद हमें दिखाया जाता है बोट एक घने कोहरे से होते हुए जाती है, लेकिन तभी बोट पर सभी लोगों को उस जगह से डरावनी आवाज़ें सुनाई देती हैं जिसे सुन वे लोग घबरा जाते हैं। और तभी उनमें से एक आदमी का हाथ कट जाता है, जिसके बाद उस आदमी पर एक नुकीले दांतों वाली मछली हमला करती है जिसे वे लोग मार देते हैं। लेकिन तभी उन सबकी नज़र ऊपर आसमान में बहुत सारी उड़ने वाली मछलियों पर जाती है, जिन्हें देख मिस्टर लिन कहता है ये तो उड़ने वाली चोंगफिश है, और सब लोगों से नीचे छुपने को कहता है। उसके बाद हम देखते हैं चोंगफिश का झुंड बोट पर कई लोगों को मार देता है, जिसके बाद बाकी बचे लोग छुप जाते हैं। और जब चोंगफिश का झुंड वहाँ से चला जाता है तब वे सभी लोग बाहर आते हैं जहाँ पर उन्हें कई लोगों की लाशें दिखती हैं जिन्हें बुरी तरह से मारा गया है। और जब वे लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं तभी हमें नदी में एक बड़े सांप को दिखाया जाता है। उसके बाद मिस्टर क्यूटेंग बोट के कप्तान से कहता है तुमने बोट क्यों रोकी। इस पर बोट का कप्तान कहता है इंजन काफ़ी समय से चालू था, वापस चलाने में समय लगेगा। उसके बाद हम देखते हैं वे सभी लोग बोट से उतरकर जंगल में आ जाते हैं, और तभी मिस्टर क्यूटेंग का सेक्रेटरी वहां पर आता है जो मिस्टर क्यूटेंग को बताता है कप्तान ने कहा है बोट को सही होने में 3 दिन लगेंगे। उसके बाद सीके क्यूटेंग को लैपटॉप में फूल वाली जगह दिखाता है। तभी दूसरी तरफ से टीम लीडर उन लोगों से कहता है हमें कुछ लोगों को यहाँ छोड़कर फूल वाली जगह की तरफ बढ़ना चाहिए, और फूल हासिल करने के बाद हम यहाँ वापस आ जाएंगे, तो चलो हम जंगल के रास्ते वहाँ जाएंगे। और तभी मिस्टर लिन टीम लीडर की ये बात सुन बोलता है ये जंगल अछूता है, यहाँ करोड़ों साल से किसी ने पैर नहीं रखा है, पता नहीं आगे कौन सा खतरा आ जाए, हमें नदी की तरफ से ही जाना चाहिए। यह सुन टीम लीडर मिस्टर लिन से कहता है हम यहाँ खतरा मोल लेने ही आए हैं, और उन लोगों से चलने को कहता है। उसके बाद वे सभी लोग उस तरफ आगे बढ़ते हैं। दूसरी तरफ हमें बोट को दिखाया जाता है जहाँ पर सांप एक आदमी को खा लेता है, और जब दूसरा आदमी उसे ढूंढते हुए वहाँ पर आता है तो उसे वहाँ पर उस आदमी का जूता और वायरलेस रेडियो नीचे गिरा हुआ दिखता है, जिसके बाद वो आदमी डर जाता है। और तभी उसे उस आदमी की लाश दिखाई देती है जिसे सांप उगलता है, और इसी के साथ उस आदमी को वो सांप दिखाई देता है, जिसके बाद वो सांप उस आदमी को निगल जाता है। दूसरी तरफ हमें जंगल को दिखाया जाता है जहाँ पर सीके एक फल को छूने वाला होता है, लेकिन तभी मिस्टर लिन उसे उस फल को छूने से मना करता है,
और उस फल के बारे में बताता है। ये एक हिस्टोरिकल विस्फोटक फल है जिसे जंगल में एक छोटा परमाणु बम भी कहा जाता है। और इसी के साथ मिस्टर लिन उस फल को नीचे ज़मीन में फेंकता है, जिसके बाद वहाँ पर एक विस्फोट होता है। उसके बाद टीम लीडर उन लोगों से आगे बढ़ने को कहता है और इसी के साथ वो लोग जंगल में आगे बढ़ते हैं। और कुछ दूर जाने पर वो सभी लोग एक जगह पर बैठकर आराम करते हैं। और तभी डॉक्टर को एक सांप दिखाई देता है, जिसे देख वो सांप सांप कहकर चिल्लाने लगती है। और तभी एक फौजी उस सांप को पकड़ता है और डॉक्टर से कहता है, तुम इतने छोटे सांप से डर गई? उसके बाद वो फौजी उस सांप को चाकू से काट देता है और उसका एक टुकड़ा खाकर उन लोगों की तरफ सांप को दिखाकर कहता है, तुम लोग इससे अभी भी डरोगे। लेकिन वे सभी लोग उसकी बातों पर ध्यान ना देकर उसके पीछे चौंकते हुए देखते हैं और अपने अपने हथियारों को तैयार करते हैं। जिसके बाद हमें एक काफ़ी बड़े सांप को दिखाया जाता है जो कि उस फौजी की तरफ बढ़ता है, जिसे देख वो फौजी अपनी पैंट गीली कर देता है। उसके बाद वो सांप उसे निकल जाता है। यह देख वहाँ पर सभी लोग उस सांप पर गोलियाँ चलाते हैं, जिसके बाद वो सांप वहाँ से भाग जाता है। और थोड़ी देर बाद वो सांप उस फौजी को उगलता है और उन लोगों को एक एक कर मारने लगता है। और यह होता देख टीम लीडर सभी लोगों से कहता है, सब लोग फैल जाओ। उसके बाद वे सभी लोग अलग अलग दिशा की तरफ भागने लगते हैं। और कुछ देर बाद हम सीके को देखते हैं, जिसके पीछे सांप होता है। और तब फौजियों की टीम की एक लड़की सीना उस सांप पर हमला करती है, जिसके बाद वो सांप उसे दूर फेंकता है और उसकी तरफ बढ़ता है। सांप को अपनी तरफ आता देख सीना घबरा जाती है। और जब सांप उसकी तरफ बढ़ता है, तभी मिस्टर लिन उस सांप के मुंह में एक लकड़ी को फंसा देता है, जिसके बाद सांप बेचैन हो जाता है। और तभी सभी लोग उस पर गोलियां चलाते हैं, जिस वजह से सांप वहां से भाग जाता है। उसके बाद हमें डॉक्टर को दिखाया जाता है, जो कि एक जगह पर छुपकर बैठी हुई होती है। लेकिन तभी वहां पर वो सांप आ जाता है और उस पर हमला करने लगता है। और इसी बीच मिस्टर लिन वहाँ पर आकर उस डॉक्टर को बचा लेता है। और तभी दूसरी तरफ से टीम लीडर भागते हुए वहाँ पर आता है, जो कि बम को सांप के मुंह की तरफ फेंकता है, जिसके बाद एक विस्फोट होता है और सांप मारा जाता है। और तभी दूसरी तरफ से एक आदमी टीम लीडर को आवाज़ देता है और यहाँ पर आने को कहता है, जिसके बाद वे सभी लोग वहाँ पर सांप के अंडों को देखते हैं। अब इसका मतलब ये हुआ कि इस जंगल में दो बड़े सांप थे, जिनमें से एक को इन्होंने मार दिया, लेकिन एक अभी भी इस जंगल में है। उसके बाद वे लोग उन अंडों को नष्ट कर वहाँ से चले जाते हैं। और जब वे लोग वहाँ से चले जाते हैं, तब हमें वहाँ पर एक काफ़ी बड़े सांप को दिखाया जाता है। और रात हो जाने पर वे सभी लोग जंगल में रुककर एक कैंप लगाते हैं और वहीं पर आराम करते हैं। और इसी के साथ दूसरी तरफ वो सांप उन लोगों पर नज़र रखे हुए होता है। उसके बाद वे सभी लोग सुबह होते ही वहाँ से आगे बढ़ते हैं। और कुछ दूर जाने पर उन्हें झाड़ियों में हलचल दिखाई देती है, जिसके बाद वे सभी लोग चौकन्ने होकर उस तरफ देखते हैं। और तभी उन्हें वहाँ पर बोट का कप्तान और उसकी साथी लड़की दिखाई देती है। उसके बाद टीम लीडर कप्तान से पूछता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तब कप्तान उन्हें बताता है, एक बड़े सांप ने मेरे सारे साथियों को मार दिया है, हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा। तभी मिस्टर क्यूटेंग कप्तान से कहता है, तुम जिस सांप की बात कर रहे हो वो हम में से बहुतों को मार चुका है। यह सुन कप्तान कहता है, नहीं, अभी मैंने रास्ते में बहुत से बड़े जानवरों की लाशें देखी हैं और मुझे लगता है हमारा कोई और भी पीछा कर रहा है। और तभी मिस्टर क्यूटेंग कप्तान से मुंह बंद रखने को कहता है और कहता है, सब मेरी बात सुनो, आगे बढ़ते रहो, वरना किसी को भी एक पैसा नहीं मिलेगा। यह सुन टीम लीडर सबसे आगे बढ़ने को कहता है। उसके बाद वे सभी लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। और थोड़ी दूर जाने पर फौजियों के एक साथी को एक पेड़ की लता खींच लेती है, जिसे देख मिस्टर लिन उन लोगों से कहता है, ये खूनी लताएं हैं, हमें यहाँ से भागना होगा। उसके बाद वे सभी लोग वहाँ से भागने लगते हैं। और इसी के साथ हमें ये भी दिखाया जाता है, लताएं उन लोगों को खींचकर एक आदमखोर पेड़ के पास ले जाती है। उसके बाद वहाँ पर कई लोग मारे जाते हैं और बचे हुए लोग वहाँ से भागकर एक सुरक्षित जगह पर जाते हैं, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है, एक आदमी बोलता है, हमें आगे नहीं जाना चाहिए, मुझे घर जाना है। और तभी मिस्टर क्यूटेंग उस आदमी को गोली से मार देता है और उन लोगों से कहता है, सुनो, यहाँ पर जो भी रुका मैं उसे एक भी पैसा नहीं दूंगा, और जो मेरे साथ आएगा मैं उसे 3 गुना ज़्यादा पैसा दूंगा। और तब यह सुन डॉक्टर मिस्टर क्यूटेंग से कहती है, तुम पागल हो क्या? तभी मिस्टर क्यूटेंग डॉक्टर की तरफ बंदूक तानता है। और यह देख मिस्टर लिन मिस्टर क्यूटेंग से कहता है, देखो, यहाँ पर उड़ने वाली मछलियाँ हैं, पौधे जो इंसानों को निगल जाते हैं, और एक बड़े आकार का सांप भी है, और हमारी उम्मीद से भी ज़्यादा खतरा है। और अगर आपको अपनी मंजिल तक सुरक्षित जाना है तो अब से आपको मेरी बात माननी होगी। उसके बाद वे सभी लोग वहाँ से आगे बढ़ते हैं। और थोड़ी दूर जाने पर उन्हें वहाँ पर कई सारे विस्फोटक फल दिखाई देते हैं। और इसी के साथ मिस्टर लिन को एक बहुत बड़े सांप की केचुली दिखाई देती है, जिसे देख मिस्टर लिन कहता है, ये रास्ता ठीक नहीं है, क्योंकि इस रास्ते से एक बहुत बड़ा सांप रेंग कर गया है, जिससे ये रास्ता खाई जैसा बन गया है। और मिस्टर लिन की ये बात सुन वे सभी लोग डरकर इधर उधर देखने लगते हैं। लेकिन तभी उन्हें एक मरा हुआ भालू दिखाई देता है, जिसे उस सांप ने ही मारा होता है। जिसे देख मिस्टर लिन सभी लोगों से कहता है,
हमें यहाँ से निकलना होगा, चलो किसी और रास्ते से चलते हैं। और इसी के साथ वे सभी लोग दूसरे रास्ते की तरफ जाते हैं। और थोड़ी दूर जाने पर सीके उन लोगों को अपने लैपटॉप में देखते हुए बोलता है, वो फूल हमें इस पहाड़ी के उस पार मिलेगा। जिसके बाद वे सभी लोग उस दिशा की तरफ आगे बढ़ते हैं और उस जगह पर पहुंचने पर उन्हें वो फूल दिख जाता है। जिसके बाद मिस्टर क्यूटेंग एक आदमी से उस फूल को लाने के लिए कहता है। और जब वह आदमी उस फूल को लेने जाता है तभी उसे वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सांप दिखाई देता है, जो कि उस आदमी को निगल जाता है और उन लोगों की तरफ देखता है। जिसके बाद सभी फौजी उस पर गोलियाँ चलाते हैं और गोलियों को चलता देख मिस्टर क्यूटेंग उन लोगों से कहता है, गोलियाँ मत चलाओ, गोलियाँ चलाने से वो फूल नष्ट हो सकता है। उसके बाद टीम लीडर उन लोगों से वहाँ से भागने को कहता है और तब वो सांप वहाँ पर एक फौजी को मारता है, जिसे देख सीना उस पर गोलियाँ चलाती है और कटार से उसे मारने जाती है। जिसके बाद वो सांप सीना को दूसरी तरफ फेंकता है। उसके बाद हम देखते हैं मिस्टर क्यूटेंग मिस्टर लिन पर बंदूक तानते हुए कहता है, जाओ और फूल लेकर आओ। और दूसरी तरफ हम टीम लीडर को सांप से लड़ते हुए देखते हैं और कुछ देर सांप से लड़ने के बाद टीम लीडर घायल हो जाता है। इधर मिस्टर लिन किसी तरह फूल को हासिल कर लेता है। उसके बाद मिस्टर क्यूटेंग मिस्टर लिन से उस फूल को ले लेता है। दूसरी तरफ सांप टीम लीडर को निगलने वाला होता है, लेकिन उससे पहले टीम लीडर बम की पिन को खोल देता है और जब सांप उसे निगलता है तब बम सांप के मुंह में फट जाता है। जिसके बाद सांप वहां पर नीचे गिर जाता है और सांप को नीचे गिरता हुआ देख वे सभी लोग वहां से भागते हैं। इधर सांप होश में आ जाता है और उनका पीछा करता है। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मिस्टर क्यूटेंग अपने सेक्रेटरी को धक्का मारकर वहां नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वो सांप सेक्रेटरी को निकल जाता है, जिसे देख वे सभी लोग डरकर वहां से भागने लगते हैं और सांप भी उनका पीछा करता है। और एक जगह पर जाकर मिस्टर क्यूटेंग डॉक्टर से मदद मांगता है। उसके बाद मिस्टर क्यूटेंग डॉक्टर को धक्का देकर नीचे गिरा देता है और उसके पैर में गोली मार देता है। यह देख मिस्टर लिन मिस्टर क्यूटेंग को एक घूसा मारता है और डॉक्टर को लेने जाता है, लेकिन तभी वो लोग देखते हैं सांप उनके काफ़ी करीब है, जिसे देख वो लोग डरकर वहीं पर खड़े रहते हैं। और कुछ देर बाद सांप मिस्टर क्यूटेंग की तरफ जाता है, जहाँ पर वो एक घेरा बनाकर मिस्टर क्यूटेंग को कुंडली में जकड़ता है, जिस कारण मिस्टर क्यूटेंग से फूल वहाँ पर नीचे गिर जाता है और इसी के साथ मिस्टर क्यूटेंग मर जाता है। और उसके बाद सांप उसे निगलने लगता है और जब सांप मिस्टर क्यूटेंग को निगल रहा होता है तब मिस्टर लिन उस फूल को किसी तरह से ले लेता है और भागकर अपने साथियों के पास आता है। जिसके बाद वो उस फूल को डॉक्टर को देता है और कहता है, तुम लोग दूसरी तरफ भागो, मैं सांप का ध्यान भटकाता हूँ, क्योंकि अगर हमने सांप का ध्यान नहीं भटकाया तो हम सब मारे जाएंगे। उसके बाद मिस्टर लिन सांप की तरफ भागता है और उसे अपने पीछे आने को कहता है। जिसके बाद सांप मिस्टर लिन के पीछे जाता है और इधर जंगल में मिस्टर लिन एक जगह पर पहुंचता है, जहां पर वो कई सारे विस्फोटक फलों को देखता है और रुक जाता है। और तभी वो पीछे मुड़कर देखता है, जहां उसे वो सांप दिखाई देता है जो कि उसकी तरफ आ रहा है। और सांप को अपनी तरफ आता देख मिस्टर लिन एक विस्फोटक फल को तोड़ लेता है और सांप की तरफ फेंकता है, लेकिन फल विस्फोट नहीं करता। और तभी वो देखता है सांप उसकी तरफ आ रहा है और यह सब देख मिस्टर लिन की हालत ख़राब हो जाती है। लेकिन तभी हम सीना को देखते हैं, जो वहाँ पर भागते हुए आती है और फल को उठाकर सांप की तरफ फेंकती है, जिसके बाद फल विस्फोट करता है, जिस कारण वहाँ पर लगे और फलों में भी विस्फोट होता है, जिसकी वजह से सांप मर जाता है और इसी के साथ सीना भी मर जाती है। उसके बाद मिस्टर लिन अपने साथियों से मिलता है, जिसके बाद वे सभी लोग एक बोट में बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है।